बात मैं आपसे स्पष्ट कर दे रहा हूं कि राष्ट्रपति पुरस्कार मैं लेकर आऊंगा अपने नगर वासियों के लिए, इतना मैं काम करूंगा, इतना ईमानदारी से काम करूंगा, पाई पाई का हिसाब, पाई पाई का हिसाब जनता को हर हफ्ते हर महीने मैं दिया काम को करूंगा बैठक करके। ठीक तीसरा दिन से आप जाम नहीं देखेंगे, मुझे 3 दिन लगेगा इस जाम को पूरी तरह से निजात कर दूंगा एकदम, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए मुझे जनता चुने और चुनेगी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। मैं एक दिन भी अपने घर नहीं रहूंगा, ये अपना कार्यालय को इसका कार्यालय बनाऊंगा, यही रहूंगा और जनता का मैं काम करूंगा 24 घंटा, जहां जनता मुझे आवाज दे देगी मैं वहां पहुंच जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं लव प्रताप और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज। अभी जिस प्रकार से बिहार सरकार ने ये घोषणा की है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है डायरेक्ट जनता करेगी, इसके बाद से जितने भी माहौल हैं वो गर्म हो चुका है। बिहार में इलेक्शन का अभी 3 महीना बाकी है, उसके पहले ही सोशल मीडिया पर सभी अपने अपने नाम के साथ प्रत्याशी का जोड़ना स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है एक समाज सेवी दरोगा खान जी, जो कि सिवान में अलग अलग समाज सेवा करते आ रहे हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि ये भी इस बार चेयरमैन के चुनाव के लिए फील्ड में उतर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं इनका। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किन किन मुद्दाओं को लेकर आप फील्ड में उतरने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल सिवान न्यूज को, दर्शक और आपके सिवान न्यूज के परिवार को मैं हार्दिक शुभकामनाएं। सिवान शहरी क्षेत्र जो चेयरमैन का चुनाव हुआ है, अध्यक्ष का, उसका मैं प्रत्याशी बना हूं। अपने मन से नहीं, आवाम ने मुझे बुलाया है कि दुर्गा भाई आइए, आप जैसे ईमानदार और संघर्षशील शख्सियत की जरूरत है सिवान को। अच्छा, जितने भी अभी दावेदारी कर रहे हैं चेयरपर्सन के लिए, चेयरमैन के लिए, उनको देख रहे हैं कि वो पूरे अपने शहर में, सिवान शहर में पोस्टर लगा रहे हैं, तमाम पैसे खर्च कर रहे हैं, तमाम गाड़ियों के साथ अपना काफिला निकाल कर जनसंपर्क कर रहे हैं। आप एकदम सीधे सादे तौर पर देखे जा रहे हैं, सीधे जनता के बीच जाकर संपर्क कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, पैसे की बात तो नहीं होनी चाहिए जी। हमें जनता जहां बुला रही है, जहां के लोग मुझे बुला रहा है और बड़े प्यार से बुला रहा है और बुलाने के बाद हमारी स्वागत कर रहा है और सभी लोग एक मन बनाकर कि दरोगा भाई जो भी हो आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं और वोट के भी साथ, पैसे के साथ, हर तरह से मदद करने के लिए लोग तैयार हैं। और प्रत्याशियों के बारे में मैं कुछ भी कहने से अलग रहता हूं और रहूंगा ही। चुनाव है, चुनाव में हम लोग जाएंगे, जनता जिसको मत अपना देगी, जिसे पसंद करेगी, जिसे अच्छा समझेगी उसे जिताएगी, इसमें हमारा कोई मतभेद नहीं है। और मुझे ये यकीन बन चुका है, अभी ये पूर्ण बिल्कुल यकीन बन चुका है सिवान की जनता पर, नगर पर के जनता पर मुझे, कि हमें लोग चुन लेगा। अब मैं भारी मतों से जीतने जा रहा हूं। मैं आज ही आपके चैनल के माध्यम से ये बोल दे रहा हूं कि मैं जीतने जा रहा हूं इंशाल्लाह, और सारे लोग मुझे प्यार से दरोगा भाई कहते हैं। 3 मरतबा मैंने विधानसभा लड़ा, मैं आपसे बता दूं, 3 सवा विधानसभा लड़ा, मुझे वो प्यार मिला जनता से, जिसे आज भी मैं सर आंखों पर बैठा कर रखा हूं और कल भी मैं जब तक जीवित रहूंगा बैठा कर रखूंगा। उसी का रिजल्ट है, उसी का देन है कि दरोगा भाई आप बड़े संघर्षशील हैं, आप चुनाव लड़े, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन आप जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, गरीब के लिए तत्पर रहते हैं, किसी भी कोई भी भेदभाव, जात पात, धार्मिक उन्माद, इस सबसे आप बचे हुए हैं। आप ही जैसे लोगों को इस चेयरमैन बनाया जाएगा। जनता पूरी तरह से हमें मैंने स्वस्थ कर चुकी है कि आप न घबराएं, हम लोग आपके साथ हैं। अगर बिहार सरकार ये फैसला करती है कि यहाँ का सीट लेडीज हो जाएगा, तब तो आपके यहाँ से प्रत्याशी कौन रहेगा? देखिए, इसके लिए अगर लेडीज हो जाएगा तो मेरी वाइफ है और वो भी बड़ा सुशील और बड़ी संघर्षशील है, वो भी
गरीबों के प्रति बड़ा अपना आदर करती है गरीबों को, और बहुत अच्छी हमारी बीवी है, पढ़ी लिखी है, मैं शाहजहां खातून नाम है उनका, मैं उन्हें चुनाव लड़ाऊंगा। जनता भी बात बोल चुकी है, हमसे पूछा गया है कि अगर लेडीज हो जाएगा तो दुर्गा भाई क्या होगा, उन्होंने कहा कि हम अपने वाइफ को चाहेंगे लड़ाने के लिए, तो इस पर सभी लोगों ने खुश हुआ कि दुर्गा भाई हम लोग आपके साथ है। मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में उतरने के पहले? देखिए ये नगर का मुद्दा तो आप भी देख रहे हैं, सारी जनता देख रही है, सारे शहरवासी भी देख रहे हैं, देहात से भी लोग आने वाले देख रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश से लोग आने वाला भी देख रहे हैं कि सिवान का क्या दशा है, जो दहा नदी पुल का मसला है। मैं 26 अगस्त को ही जब बंद हो रहा था शाम 5 बजे करीब मैं पहुंचा और उसी दिन मैंने विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए, आने जाने का रास्ता होना चाहिए। और आज रिपेयर जो हो रहा है, बहुत सारे लोग आज हमसे मिला और कहा कि देखिए वो पेंट किया जा रहा है और पेंट करके उस पर कौन सा भार दिया जाएगा कि पेंट रोक लेगा, तो कौन सा लिक्विड है कौन सा पेंट है तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये सिवान के साथ माने ना इंसाफी हो रहा है। अब तक तो पुल तोड़कर ऊपर का जो ढलाई है उसे हटाकर नीचे से कुछ बढ़िया से पिलर को मजबूत कर अब तक ढलाई हो चुका होता, चालू हो गया होता आपका पुल, लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती इतना दिनों में। तो ये सरकार माने निष्क्रिय है, यहाँ का प्रशासन निष्क्रिय है और यहाँ की जनता इतनी परेशान है। दूसरी बात कि जाम का समस्या हमेशा रहता है सिवान में, सबसे पहला मैं जाम का काम निपटारा करूंगा कि जाम से लोगों को निजात मिले, और जो ठेले वाले लोग हैं, जो खैची वाले लोग हैं, जो रोड पे बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो फेरी वाले लोग हैं, जो कपड़ा बेचते हैं फुटपाथ पे, उनके साथ भी कोई स्टैंड नहीं है, मैं उनके लिए भी एक स्टैंड करूंगा। जिस लाइन में वो है, जिस तरफ लोग बेचता है, उन्हें मैं एक स्टैंड करके उन्हें जगह दूंगा और उन्हें मान सम्मान के साथ बिजनेस करने के लिए, जो अपने बाल बच्चा को रोजी रोटी जो चलाते हैं रोज बरोज उठाकर इधर उधर फेंक दिया जाता है, मैं उसके लिए भी काम करूंगा, सफाई के लिए काम करूंगा। जो सफाई के आज के भी दिन में, बरसात का दिन नहीं है लेकिन कई गलियों में पानी से भरा हुआ है, लोग परेशान है, मैं बरसात तो अलग है, मैं बरसात के दिन में पानी नहीं रहने दूंगा किसी वार्ड में, और पीने का पानी का जो इंतजाम है वो भी लचर है, मैं उसका भी इंतजाम करूंगा। अभी मैं सरकार से कह रहा हूं कि चुनाव तो अभी दूर है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो गर्मी स्टार्ट होने जा रहा है तो जिला प्रशासन कलेक्टर साहब हमारे जिला के कलेक्टर जो हैं वो उसके लिए एक ठोस कदम उठाए कि हर चौराहे गली पर एक नल दिखाई दे, जहां प्यासे लोग आए तो कम से कम पानी पी ले, उनके लिए इंतजाम करें। और हॉस्पिटल का मसला है, हॉस्पिटल में भी देखिए साफ सफाई ठीक से नहीं रहता है, लोग परेशान रहते हैं वहां, उसके लिए भी मैं तत्पर रहूंगा। गरीबों का जो हक है, गरीबों को जो मिलना चाहिए, वो चाहे इंदिरा आवास के रूप में हो या प्रधानमंत्री के जरिए जो आवास बन रहा है उसके हक में हो, या राशन मिलता है, राशन कार्ड नहीं है गरीबों के पास, मैं ये सारे काम करूंगा जो जनता के हक में है। और मैं एक दिन भी 5 साल के लिए मुझे जनता चुने और चुनेगी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है, मैं एक दिन भी अपने घर नहीं रहूंगा, ये अपना कार्यालय को इसका कार्यालय बनाऊंगा, यही रहूंगा और जनता का मैं काम करूंगा 24 घंटा, जहां जनता मुझे आवाज दे देगी मैं वहां पहुंच जाऊंगा। कोई लाचार है, उसका कोई काम रुका हुआ है, वो नहीं आ सकता, अगर मुझे खबर मिल गया या वो फोन कर दिया हमें तो हम उसके घर जाकर उसका समस्या का समाधान करने का काम करूंगा। ये और जनता हमारी बात को ये समझती है कि दुर्गा भाई जो कहते हैं उस पर आधारित रहते हैं, मैं कोई गलत बात नहीं कहता हूं और गलत का साथ भी नहीं देता हूं। चलिए बीच में आपने कहा कि जाम के समस्या से निजात मिलेगा शहर को, तो क्या इसका मतलब पहले का क्या प्लानिंग है, कैसे आप जाम से पूरे शहर को निजात दिलाएंगे? देखिये सबसे पहले मैं ये आपके माध्यम से बता दूं कि मेरा ये प्लानिंग है, और प्लानिंग बताया नहीं जाता है कि और सारे चीज लोग हैं, जो हमारे पास प्लानिंग है ना वो प्लानिंग किसी और के पास नहीं होगा, वो हमारे माइंड में चल रहा है। अगर जनता मुझे बनाती है, चेयरमैन बना देती है, तो मैं इस काम को सबसे पहले मैं शुरू करूंगा और प्रशासनिक तंत्र को साथ लेकर, कलेक्टर को साथ लेकर मैं इस काम को करूंगा। बैठक करके ठीक 3rd दिन से आप जाम नहीं देखेंगे, मुझे 3 दिन लगेगा इस जाम को पूरी तरह से निजात कर दूंगा, एकदम 5 साल के लिए, अगर मैं 5 साल हूं।
देखा जाता है कि कोई भी इलेक्शन जीतने के बाद विकास के लिए तो इलेक्शन लड़ता है लेकिन खुद का विकास कर लेता है, जनता का नहीं हो पाता है, शहर का नहीं हो पाता है। लोग आप पे भरोसा क्यों करें कि आप अपना विकास नहीं करेंगे, शहर का करेंगे, क्या गारंटी है? देखिए, लोगों को विश्वास क्यों करें, तो मैं आपसे ये बता दूं कि मैं 3 मरतबा विधानसभा लड़ा हूं सिवान से, शहरी क्षेत्र से, और 3 मरतबे जो प्यार मिला है जनता की वो मुझे सर आंखों पर है। और एक बात बता दूं कि आप देखे होंगे कि जब इलेक्शन आता है तो कोई दूसरा शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं, इसलिए कि जो इलेक्शन आता है तब बहुत सारे लोग नॉमिनेशन करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और नॉमिनेशन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो अपने कारोबारों में कहीं चले जाते हैं, कारोबार में लग जाते हैं, अपने गांव में रह जाते हैं, अपने घर में दुबक जाते हैं। फिर जनता चाहे कहीं जाए तो कहते हैं कि ये लोग मुझे नहीं चुना, मैं क्यों जाऊं। लेकिन ये दुर्गा भाई ही है ऐसा व्यक्ति, शायद एक मिसाल होगा, शायद मेरा एक मिसाल होगा, मैं छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, एक मिसाल होगा कि मैं चुनाव लड़ने के बाद भी कभी घर में नहीं बैठा, हमेशा मैं, आप देखे होंगे, आपके माध्यम से भी देखे होंगे कि हम हर वक्त संघर्ष में, हर मोर्चे पर, हर जगह गरीबों के लिए मैं आवाज उठाता रहता हूं, और शहर में मैं हमेशा के लिए मैं दौड़ता रहता हूं कि कहीं किसी को कुछ जरूरत है या फोन कर दिया, मुझे कोई बुला दिया, मैं वहां हाजिर हूं। और उसके दगदग में उस वक्त मैं नहीं समझता हूं कि किस पार्टी का है, किस दल का है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आज भी मैं उसी तरह से हूं और जीवित जब तक रहूंगा मेरा यही रहेगा, क्योंकि हर पार्टी के लोग भी इंसान है, वोटर है, किसी ना किसी को वोट देंगे। तो मेरा एक ही दिल में ख्वाहिश रहता है कि मैं बढ़िया काम करता रहूंगा तो दूसरे पार्टी में भी रहकर लोग मुझे वोट करेंगे, और एक दिन मुझे कोई जगह देंगे जहां से मैं कोई काम करूं, और काम करने का जब मौका जनता मुझे दे देगी तो एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर दे रहा हूं कि राष्ट्रपति पुरस्कार मैं लेकर आऊंगा अपने नगर वासियों के लिए। इतना मैं काम करूंगा, इतना ईमानदारी से काम करूंगा, पाई पाई का हिसाब, पाई पाई का हिसाब जनता को हर हफ्ते हर महीने मैं दिया करूंगा। चलिए, इस बार बहुत सारे प्रत्याशी भी आने वाले हैं, तो लोग आप ही को वोट क्यों दे, दूसरे को क्यों ना दे, क्या खासियत है आपने? देखिए, मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, मैंने आपसे बता दिया कि 3 मरतबा मैंने चुनाव लड़ा और आज भी मैं जनता के बीच रहता हूँ, किसी चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, थाने में किसी के साथ दुर्व्यवहार हो, या कोई बीमार है, कोई कुछ ऐसा दुर्घटना हो गया, मैं वहां तट पे रहता हूं और पहुंचता हूं। इसलिए मुझे यकीन है कि जनता मुझे चुनेगी कि दुर्गा भाई बड़ी ईमानदारी से हर जगह, हर मोड़ पे, हर चौराहे पे लोगों के लिए खड़ा रहते हैं। अगर इन्हें जिताया जाएगा, इन्हें वोट दिया जाएगा तो ये काम करेंगे, और वादे के पक्के हैं, ये सारे लोग जानते हैं। हमारे जो भी हम बात वही वादा करते हैं जो मैं पूरा करूंगा, चेयरमैन बनने के बाद मैं करूंगा, जो कर सकता हूं मैं वही वादा कर रहा हूं। अच्छा, अंत में हमारे दर्शकों से और अपने शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि हम आपके बीच आए हुए हैं, हमेशा आपके बीच रहते हैं, आप मुझे एक मौका दें, मुझे चुने, सिवान नगर का चेयरमैन बनाए, अध्यक्ष बनाए, और हमसे अपना मनचाहा, अपने दिल का सुकून के लायक हमसे काम ले। मैं आपके लिए 24 घंटे तत्पर रहूंगा, यही मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, और हाथ जोड़कर मैं उनसे अपने लिए मत मांगता हूं, उनके समर्थन मांगता हूं, उनसे दुआ मांगता हूं, उनसे आशीर्वाद मांगता हूं। हमारे अंदर किसी तरह का कोई कलछप नहीं है, चूंकि कलछप वाले के चेहरे पर भी पढ़ लिया जाता है, आप मेरे चेहरा को देख कर पढ़ सकते हैं, मेरे आंखों को देख कर पढ़ सकते हैं, और मेरे कामों को आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि मैं कभी किसी को ठगने का काम नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। इसलिए मुझे आप मौका दे, मुझे चुने, यही मेरी अपील है पूरी सिवान की जनता से, शहरवासियों के जनता से, व्यवसायियों से, माँ बहनों से, भाई भाइयों से, अपने गार्जियनों से। मैं मौका चाहता हूं कि आप मुझे मौका दें, मैं हमेशा आपका बीच रहा हूं, हमेशा आपका बीच रहूंगा। चलिए, अभी जिससे आप मुखातिब हो रहे थे वो समाज सेवी सिवान के दरोगा भाई थे, दरोगा खान जी थे, जो कि सिवान में समाज सेवा करते पाए जाते हैं, और वो इस बार चेयरमैन का चुनाव सिवान से लड़ रहे हैं।
देखते रहिए सिवान न्यूज। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें। धन्यवाद। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।